फ्रेंड्स, इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। फ्रेंड्स, यूएन पोर्टल पर केवाईसी सेक्शन में आज तक का सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण बदलाव ईपीएफओ द्वारा कर दिया गया है, जिससे हर एक कर्मचारी को फायदा होगा। यदि आप भी जानना चाहते हैं, वो लाभ उठाना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इससे वो काफी ज्यादा। पहले हम अपने यूनिफाइड पोर्टल पर सफलतापूर्वक लॉग इन हो जाएंगे और मैनेज पे जाएंगे और यहाँ पे केवाईसी सेक्शन पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर क्या जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि कोई केवाईसी पेंडिंग है तो उसमें आपका दिख जाएगा जो भी पेंडिंग है, और अप्रूव्ड है तो इसमें भी दिख जाएगा, एक्शन में अप्रूव्ड दिख जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको जो बदलाव देखने को मिलेगा वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो भी केवाईसी आप ऐड कर रहे हैं, ऐड सी केवाईसी सेक्शन में, वहाँ पे आप बैंक, पैन, आधार और पासपोर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद से यहाँ पे जो नोट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। नोट्स में ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि यदि कोई भी जो भी आप केवाईसी करते हैं और वो आपका एम्प्लॉयर 60 दिन के अंदर उसको डिजिटली अप्रूव नहीं करता है तो वो इनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी लोग की जो समस्या होती थी, काफ़ी दिनों तक वो पेंडिंग ही दिखाता रहता था, तो वो इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद से आप दोबारा से केवाईसी कर पाएंगे, और वैसे तो आप डिलीट करके भी कर पाते थे। हालांकि उस केस में, जिस केस में कि एम्प्लॉयर खुद ही अप्रूव्ड करते हैं, खुद ही ऐड करते हैं और काफ़ी दिनों तक पेंडिंग रहता है और आपका पैसा निकल नहीं पाता है, उस केस में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को। जो दूसरे नोट्स है इसमें बताया गया है कि इस जो भी आप केवाईसी करेंगे तो केवाईसी सबमिट करते समय एक आधार कार्ड पे आपके ओटीपी जाएगा, आधार कार्ड में के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वो ओटीपी आपको देना पड़ेगा, तो ही आपका केवाईसी सफलतापूर्वक हो पाएगा। तो जान लेते हैं पूरा प्रोसेस कैसे केवाईसी आपको करना है। चलिए हम सबसे पहले बैंक पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब बैंक में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बैंक डिटेल। अब बैंक डिटेल में यहाँ पे जो भी पहले नेम आप एंटर कर पाते थे, लेकिन अब नेम आप एंटर नहीं कर पाएंगे, आपको डायरेक्ट बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है। उसके बाद से एक बार और कन्फर्म करना है बैंक अकाउंट नंबर, और उसके बाद से आईएफसी कोड एंटर करना है, और उसके बाद सेव। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने डिटेल फिल कर लिया, आप उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई आईएफसी का ऑप्शन आएगा, तो वेरीफाई आईएफसी कर देंगे। आईएफसी यहाँ पे वेरीफाइड हो गया है, मैसेज आ गया, ओके। अब यहाँ पे जो भी आपका बैंक का ब्रांच है वो दिख जाएगा, बैंक का नेम दिख जाएगा, और बाकी आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, ऑलरेडी सेलेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे यहाँ पे लोडिंग लेगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे अभी भी लोडिंग ही लिख रहा है, कई बार हमने ट्राई किया है, लेकिन आप ट्राई करते रहिए, आपका जरूर हो जाएगा। उसके बाद केवल आपको ओटीपी एंटर करना होगा, और उसके बाद सबमिट जैसे ही आप करेंगे तो ये पेंडिंग वाला सेक्शन है इसमें दिखाई देने लगेगा, और उसके बाद से आप अपने एम्प्लॉयर से उसे अप्रूव्ड करवा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। फ्रेंड्स, ईपीएफओ का यह न्यू अपडेट आपको कैसा लगा, आप अपना बहुमूल्य सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हालांकि जैसे ही वेबसाइट ठीक होती है तो पूरा प्रोसेस भी मैं करके अभी दिखा दूंगा दूसरे वीडियोज में, जो कि नेक्स्ट अभी अपलोड हो जाएगी। इसी साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।